हमारे YouTube चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। पीडी का लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं जनरेट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ टू वेरिएबल। टू वेरिएबल के केस में हम किस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं, कि कोई भी हमारे पास फंक्शन होगा उसके मैक्सिमम और मिनिमम किस तरह से निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला किस तरह से जनरेट करते हैं। फिर जनरल मेथड किस तरह से निकालते हैं वो तो हमने कई जगह पढ़ा है, ये डेल एफ और डेल एक्स को जीरो के इक्वल पुट करो, ये करो आर एस टी कुछ इस तरह से करो, वो भी तो जो भी चेंज करते हैं हम, बट वो आते कहाँ से है फॉर्मूला, ये इम्पोर्टेंट थिंग है। ये हम यहाँ से सीखेंगे कि वो फॉर्मूला बनता कैसे है। तो फिर पहले जनरली अगर हम देखें तो एक मैक्सिमा मेम कोई हमारे पास सपोज एक फंक्शन है एफ एक्स वाई, ये इस तरह का एक फंक्शन है और इस तरह से बना हुआ है, सपोज इस तरह से बना हुआ है 3D में या किसी में भी, ये फंक्शन मैक्सिमा होगा कोई पॉइंट है, ये सपोज यहाँ ये पॉइंट है, उस पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी ये देखने के लिए क्या करने होंगे, हमें एक नेबरहुड लेते हैं, उसका छोटा सा नेबरहुड लेते हैं, उसके जो पॉइंट है उसके आसपास का एक पार्ट लेते हैं, तो उसके आसपास के पार्ट को हम देखते हैं, उसको हम लेते हैं एक्स प्लस एच एंड वाई प्लस के, यानी थोड़ा सा एच को थोड़ा सा इंक्रीज करो, के को भी थोड़ा सा इंक्रीज करो, तो उस केस में एच और के को इंक्रीज करो और माइनस करो इसमें से एफ एक्स वाई। अब अगर सपोज कि ये जो वैल्यू है यानी एफ एक्स वाई को अगर ये वैल्यू है अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो होने के केस में ये क्या कह रहा है हमारे पास एफ एक्स प्लस एच एंड वाई प्लस के इज लेस इज ग्रेटर देन एफ एक्स एंड वाई, यानी जो एफ एक्स वाई जो पॉइंट है वो पॉइंट जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट है, यानी इसमें इस एरिया से मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो ये मिनिमम पॉइंट होगा एक। और अगर यहाँ पे ये ग्रेटर देन जीरो है तो उस कंडीशन में एफ एक्स प्लस एच सॉरी लेस देन जीरो है वाई प्लस के लेस देन जीरो, तो उस केस में हमारे पास लेस देन एफ एक्स वाई, इस केस में हमारे पास ये जो वैल्यू है इस एरिया में जो उसकी नेबरहुड है उससे बड़ी है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलेगा। तो फिर इस तरह से हम इसको हम देख सकते हैं कि पॉइंट मिनिमम पॉइंट कब एग्जिस्ट कर रहा होता है उस नेबरहुड में और मैक्सिमम पॉइंट कब एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो फ्रेंड्स इसके जो फॉर्मूला था जो फॉर्मूला जनरेट करने के लिए हमें टेलर सीरीज का यूज करना होगा। टेलर सीरीज क्या थी हमारे पास दो वेरिएबल्स के लिए जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ी थी वो थी हमारे पास दो ऑर्डर के लिए टेलर सीरीज जिसको हम डेल एफ सॉरी एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के बराबर थी एफ एक्स वाई प्लस एच पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एंड कोई पॉइंट है जैसे यहां पे हमारे पास एक्स और वाई दिया हुआ है तो एक्स एंड वाई, सेकंड है हमारे पास प्लस के एफ वाई एक्स वाई प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ एक्स 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 वाई प्लस एच के एफ एक्स वाई एफ और ये हो गया एक्स वाई प्लस के स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश वाई वाई एंड एक्स वाई प्लस, इस तरह से ये हमारे पास टेलर सीरीज थी। इस टेलर सीरीज की हेल्प से फ्रेंड्स हम पहले क्या चाहिए हमें चाहिए इसका डिफरेंस यानी इसका और इस पॉइंट के बीच में डिफरेंस, तो हम इसको क्या कर रहे हैं इधर ले आए और यहाँ पे इक्वल टू को साइन आ गया, तो ये हमारे पास आ गए एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई बराबर टेलर सीरीज की हेल्प से एच एफ एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्स वाई के पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई सॉरी एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्स वाई, इसी तरह से एच स्क्वायर टू फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव एफ एक्स एक्स वाई प्लस एच के एफ एक्स वाई प्लस के स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश वाई बाई एक्स वाई, ये आ गया फ्रेंड्स। अब फिर से इसकी जो इसमें एच और जो के एच एंड के जो है
एच एंड के टेस्ट जो होते हैं, एच और के जो होता है नेबर होता है वो बहुत छोटा होता है, तो नेबर बहुत छोटा होता है, तो इस कंडीशन में ये वैल्यू एच स्क्वायर की वैल्यू, एच के की वैल्यू, के स्क्वायर की वैल्यू जीरो की तरफ टेंड्स करेंगी, तो ये जीरो की तरफ टेंड्स करेंगी, तो इस कंडीशन में हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एफ, इसको हम डेल एफ दे देते हैं, डेल एफ बराबर, इसको हमने डेल एफ लिख दिया, डेल एफ बराबर एच एफ एक्स एक्स वाई प्लस के एफ वाई एक्स वाई। अब फिर यहां पे हम देखते हैं अगर एच को जीरो पुट कर लिया जाए तो डेल की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और अगर के को जीरो पुट कर लिया जाए तो इसकी डेल की वैल्यू एच के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो इस कंडीशन हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन है इसी टर्म के लिए मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स के लिए, तो वो है हमारे पास यहां से नेसेसरी कंडीशन बन जाती है, नेसेसरी कंडीशन बन जाती है एफ एक्स एक्स वाई इक्वल टू जीरो, एफ वाई एक्स वाई इक्वल टू जीरो, यानी ऐसे पॉइंट जहां पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हो उन पॉइंट्स पे हमें चेक करना होता है कि वहां पॉइंट्स, वो पॉइंट्स मैक्सिमम है या मिनिमम है। सपोज कि हमारे पास एक पॉइंट, हमारे पास ए एंड बी, ये एक पॉइंट है उसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो एफ एक्स ए बी है वो भी जीरो होगा, एफ वाई ए बी है वो भी जीरो होगा, यानी कि ये टर्म जो होगी, ये टर्म वो जीरो के इक्वल होगी। अब फिर समाते हैं इस टर्म पे, तो ये टर्म जब जीरो के इक्वल हो गए ए एंड बी पे, तो इसको लिख सकते हैं हम एफ ए प्लस एच और ये बी प्लस के, कोई दो पॉइंट है हमारे पास, माइनस एफ ए बी इक्वल टू ये वाली टर्म एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ एक्स एक्स ए बी प्लस एच के एफ एक्स वाई इसको नीचे लिख देता हूं मैं प्लस एच के एफ एक्स वाई एट ए बी प्लस के स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल और एफ वाई बाई ए बी। तो बस ये आ गया हमारे पास, अब जो वैल्यू जो डिपेंड करेगी एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी की वैल्यू जो करेगी डिपेंड, वो इस टर्म पे डिपेंड करेगी, इस टर्म पे ये जो टर्म है ये तीन वैल्यू, क्योंकि बाकी जो टर्म है उनमें एच क्यू के क्यू आई है, तो वो जो एच और के जो काफी छोटा है उसकी वजह से हम इनको छोड़ देंगे, आई टर्म को हम नहीं लिखते हैं फ्रेंड्स, तो आई टर्म भी होती है बट उसको नहीं लिखते क्योंकि वो टर्म काफी छोटी होती है, एच और के काफी छोटे हैं, जो 0.001 हो सकता है, 0.002 हो सकता है, इस तरह से काफी छोटा होता है, तो इसका स्क्वायर क्यूब और भी छोटा हो जाएगा, वो टेंड्स टू जीरो की तरफ हो जाता है। ये हो गया। अब फ्रेंड्स हम यहां से क्या कर रहे हैं, लेट एफ एक्स एक्स को दे रहे हैं हम आर एंड एफ एक्स एक्स ए बी को आर दे दिया, एफ एक्स वाई ए बी इसको हमने टी दे दिया एंड सॉरी इसको हमने एस दे दिया एस और एफ वाई वाई ए बी को हमने दे दिया टी। अब हमने ये इनकी वैल्यूज पुट कर दी, मतलब इनको ये हमने सपोज कर लिया कि एफ एक्स एक्स ए बी को हमने आर मानेंगे, एफ एक्स एक्स वाई ए बी को एस मानेंगे, एफ वाई वाई ए बी को हम टी मानेंगे। ये हो गया। तो अब यहां से हम इसको लिख रहे हैं दोबारा से एफ एक्स वाई वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई, ये टर्म जो है वो तो कट जाएगी क्योंकि ये तो जीरो है, और इस टर्म के आगे हम लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल और एफ एक्स एक्स ए बी को क्या दिया है हमने आर, तो ये आर स्क्वायर, और इस तरह से हमने ये दिया है
एच के एक्स एच के प्लस एच के और इसको हमने एस डी आई एस और एफ वाई वाई को दिया है हमने टी, तो ये हो गया प्लस के। अब इस टर्म के बाद हमें क्या करना है, ये है हमारे पास एफ एक्स प्लस एच, एक्स की जगह हमने ए निकाल लिया था, ए एक्ट लिया था एंड वाई की जगह बी प्लस के माइनस एफ ए बी पे बात कर रहे थे ये। अब इसमें हमें आर कॉमन लेना है, 1/2 फैक्टोरियल कॉमन लिया एंड आर, ये हमें पूरा कॉमन लेना है इसमें से, तो ये कॉमन ले रहे हैं तो ये हो गया हमारे पास एच स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, या तो हम कह सकते हैं आर 1/r डिवाइड कॉमन लिया, या ये कह सकते हैं पूरे इसमें आर का मल्टीप्लाई किया और आर का डिवाइड किया, तो आर का मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पे डिवाइड कर लिया, तो एच स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2h के s r प्लस k स्क्वायर आर टी, ये हो गया के स्क्वायर आर टी, ये टर्म आ चुके फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, इसमें इसी वैल्यू में इसमें ही प्लस के स्क्वायर एस स्क्वायर ऐड कर रहे हैं और साथ ही के स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस कर रहे हैं, तो ये अगर हम इस टर्म को अगर ध्यान से देखें तो यहां से बन जाएगा 1/2 फैक्टोरियल आर और ये हो जाएगा एच आर प्लस के एस का होल स्क्वायर, ये हो गया एच आर प्लस के एस का होल स्क्वायर प्लस, अब इसमें से और इसमें से तो के स्क्वायर तो बाहर आ गया, बचा आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये बचा आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो फ्रेंड्स ये आ गया हमारे पास एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी, ये वैल्यू जा चुकी है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। अब अगर सपोज दैट आर टी माइनस एस स्क्वायर, सपोज आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, यानी ये पॉजिटिव है, आर टी माइनस एस स्क्वायर जब ग्रेटर देन पॉजिटिव है तो यहां तक का ये जो कोष्ठक है यहां से और यहां तक का ये पूरा ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो इसकी जो वैल्यू डिपेंड करेगी आर पे, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है तो इसकी जो वैल्यू डिपेंड करेगी वो करेगी आर पे। अब अगर आर जो है इफ आर ग्रेटर देन जीरो, आर जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये जो वैल्यू है एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी, तो ये पूरी वैल्यू है ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब ये जो है ये साइन यहां पे आ जाएगा, ये हो गया एफ ए प्लस एच बी प्लस के ग्रेटर देन ए बी, यानी कि अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है और आर जो है ग्रेटर देन जीरो है तो उस कंडीशन में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, उस नेबरहुड में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ये जो हमने छोटा सा नेबरहुड लिया है उसमें जो ए बी पूरा पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और अगर आर लेस देन जीरो है तो उस कंडीशन में हमारे पास ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच बी प्लस के इज लेस देन एफ ए बी, यानी जो नेबरहुड था ए बी का जो नेबरहुड था उसमें ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ मतलब ये पॉइंट बड़ा है सबसे बाकी जो नेबरहुड है, तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ, तो ये तो पॉइंट है, ये जो छोटा पॉइंट है तो ये होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा और ये होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है तो उस कंडीशन में हमारे पास आर अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा और आर लेस देन जीरो है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बट अगर हमारे पास हो आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो, आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो हो तो उस कंडीशन में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये अगर लेस देन जीरो है तो इसकी वैल्यू पे इस जो कोष्ठक है इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, तो उसके लिए हमें और चेक करने की जरूरत होगी, और अगर ये जीरो है तब भी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इससे आर एस प्लस के एस इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बट आर की वैल्यू तो फिर वो फंक्शन की वैल्यू डिपेंड करेगी।
तो हमें अगर जीरो ग्रेटर इक्वल टू जीरो है और ग्रेटर देन सॉरी लेस देन जीरो है तो दोनों में हमारे पास और चेक करने की जरूरत पड़ेगी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है पॉइंट ऑफ मिनिमा है। या फिर हम ऐसे कहें कि अगर के स्क्वायर और ये लेस देन जीरो है आर टी माइनस एस स्क्वायर तो उस कंडीशन में ना तो पॉइंट मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, एक सैडल पॉइंट कह सकते हैं उसको। या फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन इक्वल टू लेस देन जीरो देन उस केस में जो पॉइंट है हमारे पास वो ना इधर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, तो ये हमारे पास हो गया ये है तो ना इधर मैक्सिमा नॉर मिनिमम, तो इस तरह से ये हो गया हमारे पास। अब फिर जनरल मेथड क्या है, जनरल रूल जो कि इसमें फॉलो होते हैं कि कोई फंक्शन है टू वेरिएबल का उसके लिए जो जनरल रूल जो फॉलो होते हैं वो है हमारे पास फाइंड द एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ जेड। यानी पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जेड बराबर एफ एक्स वाई पे फंक्शन है तो उस कंडीशन में हम पहले सबसे पहले डेल जेड डेल एफ अपॉन या डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालते हैं और उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं और डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालते हैं उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं और ऐसे जो कॉमन पॉइंट आते हैं उनको कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम वैल्यू पॉइंट, यानी इन पे भी चेक करना होता है जहां पे भी वो चेक पॉइंट्स आते हैं उन पे हम चेक करते हैं कि वो पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है, उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं फिर मुझे भी स्टैंडर्ड वैल्यू पॉइंट कहते हैं उसे। ये भी फ्रेंड मुझे डाउट है इसको क्या कहते हैं ये आपके ऊपर चेक कर लेना कि इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं ये मुझे भी डाउट है। ये निकालने के बाद जो पॉइंट्स आते हैं हमारे पास उनके निकालने के बाद उसके बाद निकालते हैं आर बराबर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल टी डेल एक्स स्क्वायर और एस बराबर निकालते हैं डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई एंड टी बराबर निकालते हैं डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यानी हम जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स टू टाइम और डेल एक्स डेल वाई निकालते हैं और डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर निकालते हैं। अब ये निकालने के बाद हम निकालते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन जीरो है तो उस कंडीशन में अगर आर लेस देन जीरो है तो ये होगा हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और अगर आर ग्रेटर देन जीरो है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम, ये हो गया अगर ये है। और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू जीरो है तो उस कंडीशन हमारे पास और चेक करने की जरूरत होती है कि उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उस पॉइंट पे हम और ज्यादा चेक करने की जरूरत होती है। फिर अगर आपको यहां तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9460689761, यहाँ पे व्हाट्सएप करना है कॉल नहीं करना है और अगर मेल करना है तो आप मेल कर सकते हो, मेरी मेल आईडी है hitesh@gmail.com।
और फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ दो या तीन एग्जांपल पढ़ेंगे जिनसे हम इसको और क्लियर कर सकते हैं कि किस तरह से हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकाल रहे हैं, किस तरह से मिनिमम निकाल रहे हैं, किस तरह से चेक करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें इस तरह के एग्जांपल और पढ़ जाएंगे इसके। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 7। फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 6 में हमने जो पढ़ा था, लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा था हमारे पास अगर कोई टू वेरिएबल का फंक्शन है तो उसका मैक्सिमा या मिनिमा किस तरह से निकालते हैं, उसका फॉर्मूला किस तरह से जनरेट करते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। इसमें हम उस फॉर्मूला की हेल्प से हम निकाल के दिखाएंगे कि इस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, लोकेट द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ, ये कंडीशन है इसके स्टेशनरी पॉइंट है, जिन जिन पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है वो सारे पॉइंट्स, एंड डिटरमाइन देयर नेचर। उसके बाद हमें उनका नेचर यानी कि वो पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है उनका नेचर चेक करना है। तो फिर इसके लिए चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको f(xy) = x^2 + y^2 - 2x^2 - 4xy - 2y^2 यानी इसको फंक्शन ऑफ f(xy) लिख लिया। इसके बाद हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y। del f/del x = पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं तो इसका हो जाएगा हमारे पास 4x³, y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा इसमें तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा -4x, इसमें y एज अ कांस्टेंट रहेगा तो ये हो जाएगा -4y, ये हो गया और ये जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास del f/del x, एंड del f/del y अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो यहां से ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y³, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो -4x, ऐसा करेंगे तो -4y। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, 4x³ - 4x - 4y and 4y³ - 4x - 4y। अब हमें निकालना है कि इनसे कौन कौन से पॉइंट्स है इनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, यानी इन दोनों को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। तो इन दोनों इक्वल टू जब हम जीरो पुट करते हैं फिर तो यहां से हमारे पास आता है 4x³, अगर 4 कॉमन ले लें इसमें से तो 4 कॉमन लेने पे हमारे पास ये 4 सब कट जाएंगे। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई, यानी x³ - x - y। इस तरह 4 कॉमन लेंगे, इसको पहले क्लियर कर देता हूँ आपको किस तरह से मैंने इसको 4 को काटा है इसमें से। तो इसको काटने के लिए सिंपली 4 कॉमन लेंगे, 4x³ - x - y = 0। अब फिर 4 तो 0 नहीं है तो हमारे पास उस कंडीशन 4 0 नहीं है तो ये जो टर्म है ये 0 होनी चाहिए। तो यहां से हमने लिखा है डायरेक्टली कि x³ - x - y = 0। तो ये हो गया हमारे पास 4x³ - x - y = 0, या यहां से हम लिख सकते हैं y = x³ - x, यानी यहां से y को बदल लेंगे तो y = x³ - x हो गया। अब फिर del f/del y में अगर इसमें हम इस इक्वेशन में y की जगह x³ - x पुट कर देते हैं तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसी तरह सिंप्लीफाई के 4 को कॉमन लेके तो ये हो जाएगा हमारे पास y³ - x - 4 y तो चला जाएगा 0। अब y की जगह x³ - x पुट करना है तो ये हो जाएगा x³ - x³ - x - x³, ये पुट कर रहे हैं y की जगह तो x³ + x, ये x हो जाएगा तो इससे x से ये x कट गया फ्रेंड्स हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या रह गया, x³ - x³ - x³। अगर इसमें से हम x कॉमन ले लें इस टर्म में से तो x³ बाहर आएगा,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्यूब और माइनस एक्स क्यूब। तो यहां से हमने क्या किया, एक्स क्यूब कॉमन ले लिया पूरे में से, इस पूरे टर्म में से। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्यूब माइनस वन, ये हो गया। एक तो टर्म हमारे पास आ गई कि एक्स क्यूब या तो हो सकता है एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो इंप्लाई एक्स इक्वल टू जीरो, या हो सकता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये हो सकता है। तो उस कंडीशन में अब यहां से क्या कर रहे हैं, यहां पे फ्रेंड्स अगर ये कंडीशन है तो यहां से एक्स क्यू माइनस एक्स सॉरी एक्स क्यू माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी एक्स क्यूब माइनस वन सॉरी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इसका क्यूब है ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्यूब इक्वल टू वन, यानी अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्यूब इक्वल टू वन, ये किस कंडीशन में हो सकता है इक्वल टू वन, यानी किसी नंबर का क्यूब जो है वो वन के इक्वल है। तो जो वन का अगर किसी नंबर का क्यूब जो होता है वो वन के इक्वल होता है, तो दोनों वन अपॉन थ्री पावर वन अपॉन थ्री कर देते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस वन सॉरी एक्स स्क्वायर की पावर, ये क्यूब तो है ही और इसकी पावर वन अपॉन थ्री इक्वल टू वन टू द पावर वन बाई थ्री। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू। तो फिर ये हमारे पास इसके कुछ पॉइंट्स आ गए। तो इसके जो पॉइंट्स आए हमारे पास क्या है, एक तो x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू, बट ये हमारे पास सिर्फ x की वैल्यूज आई है, तो y की वैल्यूज के लिए हमें यहां पे पुट करनी होगी। अगर x इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो y इक्वल टू x इक्वल टू जीरो तो y इक्वल टू जीरो, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अगर x इक्वल टू हम रूट टू पुट करते हैं तो रूट टू का क्यूब रूट, तो यहां से रूट टू का क्यूब माइनस रूट टू, या रूट टू कॉमन ले लें, टू का क्यूब माइनस वन सॉरी टू स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो गया थ्री रूट टू। तो एक आएगा हमारे पास अगर एक्स बराबर रूट टू है तो ये थ्री रूट टू, सेकेंड पॉइंट ये हो गया। अगर हमारे पास एक्स माइनस रूट टू लें तो माइनस रूट टू केस में, ये माइनस रूट टू केस में अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस रूट टू का क्यूब माइनस रूट टू का क्यूब एंड माइनस माइनस रूट टू, तो ये हो गया हमारे पास। माइनस रूट टू का क्यूब, इसको डायरेक्टली इस तरह ले सकते हैं, माइनस रूट टू का क्यूब प्लस रूट टू, तो रूट टू कॉमन ले लिया, ये हो गया माइनस फोर प्लस वन, तो ये हो गया माइनस थ्री रूट टू। तो इसका जो अगला पॉइंट आया वो माइनस थ्री रूट टू आया, यानी अगला पॉइंट को यहां लिख सकते हैं टू एंड माइनस थ्री सॉरी रूट टू एंड माइनस थ्री रूट टू। तो इस तरह से ये तीन पॉइंट आ गए, ये तीन पॉइंट है हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट इसके। तो फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है हमारे पास, अब जो ये पॉइंट निकाले हमने, ये पॉइंट है इसके स्टेशनरी पॉइंट। अब ये स्टेशनरी पॉइंट आ चुके हैं तो इसके बाद अब हम निकालेंगे कि इन पे इनका बिहेवियर कैसा है, यानी मैक्सिमम या मिनिमम किस तरह का इसका बिहेवियर करता है होता है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, इनके सेकंड डेरिवेटिव निकालने होंगे इन डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई के। तो फ्रेंड्स पहले इसका डेल एफ अपॉन डेल एक्स का सेकंड डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू एफ, तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स द्वारा से डिफरेंशिएशन किया तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 4 और ये जीरो हो जाएगा। इसी तरह डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इसका किया तो हमारे पास ये हो जाएगा 12y स्क्वायर माइनस ये हो गया 4 यहां से और अगर
अब निकालना है साथी डेल स्क्वायर एफ गुण डेल एक्स डेल वाई, तो डेल स्क्वायर एफ गुण डेल एक्स डेल वाई निकाला तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर बाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास डायरेक्टली ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा ओनली यहाँ से माइनस फोर। तो इस तरह से हमारे पास आएगा डेल स्क्वायर एफ गुण डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर, फ्रेंड्स हमारे पास ये आ गया था। अब हम देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करते हैं, आर टी माइनस एस स्क्वायर इसकी वैल्यू चेक करते हैं, ये ग्रेटर देन जीरो हो तो उस कंडीशन में हम चेक करते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट कर सकता है, और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो तो वहां पे हमें और टेस्ट करने की जरूरत होती है, फर्दर मोर टेस्ट, और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो हो तो उस कंडीशन में कहेंगे यहाँ पे ना तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। तो यहाँ पे पहले आर टी और एस स्क्वायर क्या होता है, आर जो होता है ये टर्म होती है, टी जो होती है ये टर्म होती है, और एस जो होती है ये टर्म होती है। अब हमें चेक करना है आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर इसमें से फोर कॉमन ले लें हम तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इस तरह यहाँ पे कॉमन ले लें फोर तो थ्री वाई स्क्वायर माइनस वन। अब आर टी इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस एस यानी इसका स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर 16 थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन थ्री वाई स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस फोर का स्क्वायर, तो ये 16 हो गया। अब फ्रेंड्स एक्स बराबर पहले हम चेक कर रहे हैं एट जीरो जीरो पर, तो एट जीरो जीरो पर चेक करते हैं एट जीरो जीरो, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की जगह जीरो पुट किया वाई की जगह जीरो पुट किया, तो ये हो गया हमारे पास 16 माइनस वन माइनस वन माइनस 16, तो ये हो गया हमारे पास ये प्लस वन हो जाएगा, ये 16 माइनस 16 जीरो, यानी हमारे पास यहाँ से भी नहीं कह सकते हम कि यहाँ पे मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो इसके लिए हमें और चेक करने की जरूरत होगी। तो और चेक करने के लिए हम क्या करते हैं टेलर सीरीज की हेल्प लेते हैं, टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, और अगर एफ एक्स प्लस एच एंड एक्स माइनस एच इज लेस देन एफ एक्स वाई, ये कंडीशन हो तो उस कंडीशन में हमारे पास ये जो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जहां पे एच जो है फ्रेंड्स एच जो है सॉरी ये बाई माइनस के बाई प्लस के, जहां पे जो एच और के जो होते हैं वो छोटे नंबर्स होते हैं, हो सकता है एच 0.001 हो या 0.00001 हो, इस तरह से एच और के काफी छोटे नंबर्स होते हैं। तो इससे अब हम ये चेक करने हैं कि इनपे क्या इसका वेव होगा, तो 0.0 पर अगर हम देखें तो फ्रेंड्स 0.0 पर देखें तो कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी एफ एक्स वाई जीरो हो जाएगा, यानी ये अगर हम करें तो ये हो जाएगा जीरो प्लस एच यानी एच के माइन लेस एच के, और ये हो गया हमारे पास, हम इसमें माइनस का साइन लगा के और इसके साइन को चेक करेंगे फ्रेंड्स, इसका साइन क्या है साइन चेक करना है, ठीक है। तो एफ एच के जीरो जीरो पुट किया माइनस एफ जीरो जीरो, तो यहाँ पे एफ जीरो 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 हो जाएगा, तो यानी एफ एच के ओनली बचा क्या है इसका एफ एच के, तो एफ जीरो जीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब हमारे पास बचा एफ एच के, जो एफ एच के का साइन होगा वही इस पूरी टर्म का साइन होगा, तो एफ एच के का साइन हम चेक करते हैं, पहले फर्स्ट व्हेन एच इक्वल टू के, तो एच इक्वल टू के केस में फ्रेंड्स पहले हम कर रहे हैं कि जो हाई पावर जैसे एक्स पावर फोर यानी एच की पावर फोर, अगर एच की पावर फोर करें 0.001 की पावर अगर हम फोर करें तो ये आएगा 0.00000001 इस तरह से आएगा कुछ, तो ये तो काफी छोटा हो गया, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी पावर फोर काफी छोटा हो गया, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह वाई के लिए भी अगर हम 0.001 पे करेंगे तो उसके लिए भी काफी छोटा आएगा, उसको भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास होता है ये टर्म है, तो इन टर्मों में अगर देखते हैं तो माइनस टू एच स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर, तो एक्स बाई एच के का फंक्शन है तो एच एंड के की जगह भी एड पुट करते हैं क्योंकि एच बराबर के पे चेक करें ये स्क्वायर माइनस फोर के स्क्वायर, यानी ये जो पूरी टर्म है हमारे पास
ये आई हमारे पास, सो इट टू है यहाँ पे माइनस एट एच स्क्वायर। अब एच जीरो, जीरो से कुछ बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये नंबर है हमेशा लेस देन जीरो, तो ये नंबर हमेशा लेस देन जीरो आ गया। ये जब तक जब एच बराबर के था, अगर एच नॉट इक्वल टू के हो तो, एच नॉट इक्वल टू के हो तो उस कंडीशन फ्रेंड्स पहले तो हमें ये नेगलेक्ट कर देंगे कि ये क्यों काफी बड़े हो जाएंगे, इसलिए हमको इस तरह से नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि काफी छोटे हो जाएंगे, जब इनका पावर फोर करेंगे तो काफी छोटे हो जाएंगे, इसको इसके लिए इनको तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं। बट इनको हम देखते हैं तो ये माइनस टू एच स्क्वायर माइनस फोर एच के माइनस टू के स्क्वायर। अब फिर एच एच जो है वो पॉजिटिव नंबर है, एच स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, एच जो है पॉजिटिव नंबर है, के जो है पॉजिटिव नंबर है, के स्क्वायर भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो इस टर्म में पूरी टर्म जो है नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो ये भी लेस देन जीरो है। यानी हमारे पास हो गया एफ एक्स प्लस एच और वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब है कि ये हमारे पास इस साइन में है, हमारे पास ये एफ एक्स प्लस के एफ वाई प्लस के इज लेस देन एफ एक्स वाई। तो यहां से हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट है एफ जेन जीरो जीरो पे जो पॉइंट था वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था। अगर फ्रेंड्स ग्रेटर देन जीरो होता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता है। अब हमारे पास दो पॉइंट और बचते हैं, दो पॉइंट जो थे हमारे पास वो थे रूट टू थ्री रूट टू एंड माइनस रूट टू माइनस थ्री रूट टू। इन पे और चेक करना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो पहले इन पे चेक करने के लिए पहले आर टी माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू चेक करनी होगी। तो आर टी माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस पे चेक करते हैं रूट टू थ्री रूट टू पे। तो यहां से हम इसको यहां पे पुट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू 16 रूट टू, रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू थ्री 12 माइनस 1, और इसे 3 रूट टू का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू फिर से 6 आएगा, क्योंकि रूट टू का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 आ जाएगा स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास, और 3 रूट टू का करेंगे तो 9 इंटू 2 माइनस 1 तो 18 माइनस 1 ये 17 माइनस 1 आ गया, ये आ गया हमारे पास माइनस 16। तो फ्रेंड्स अगर इसको हम देखें तो 16 का कॉमन ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता 16 कॉमन लेने के बाद, 5 इंटू 16 माइनस 1, ये एक ग्रेटर देन जीरो नंबर है, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली अगर हम इसके लिए भी देखेंगे तो वहां पे भी, क्योंकि माइनस रूट थ्री यहाँ पे स्क्वायर का साइन है, यहाँ पे भी स्क्वायर का साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये नंबर जो टर्म आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, यही टर्म आ जाएगी, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि ये इस टर्म पर भी ग्रेटर देन जीरो होगा और मैक्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। तो हम देखते हैं कहां पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कहां पे पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो उसके लिए क्या चेक करना होगा हमें, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब हम चेक करना होगा आर की, जो आर है हमारे पास ये आर, इसका साइन क्या है। अब चूंकि आर बराबर है हमारे पास 12, इसको यहां पर लिख देते हैं 4 थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास आर है। अब इस आर का साइन क्या होगा, रूट टू पे चेक करें, और यहां पे भी है रूट टू है फ्रेंड्स, रूट टू पे चेक करें तो ये रूट टू पे चेक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 थ्री इंटू 2 माइनस 1, यानी कि ये हमारे पास आ गया 4 इंटू 5 20। इसी तरह अगर इस पे भी चेक करेंगे तो उस पे भी 20 आएगा। अब फिर आर ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, आर अगर ग्रेटर देन जीरो है, आर ग्रेटर देन जीरो उस केस में हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। तो इस यहां पे हमारे पास जो वैल्यू इनके जो वो निकले, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे ये जो दो पॉइंट थे इनका बिहेवियर, ये दो पॉइंट थे ये पॉइंट ऑफ मिनिमा थे, और जो जीरो जीरो पॉइंट निकला था वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा थे। मैं फिर ये नहीं कह रहा कि एक्सट्रीमम मैक्सिमम है, सबसे बड़ा मिनिमम है, सबसे छोटा मैक्सिमम है, सॉरी सबसे
बड़ा मैक्सिमम है या सबसे छोटा मिनिमम है, ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं